प्रेडिक्शंस के इस खास शो पे आप सबका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के सेकंड डबल हेडर पे, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। ये दिल्ली में खेला जाएगा, नाइट मैच है और मैं शुरू से ही ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जाना चाहूँगा। उसके पीछे कुछ कारण है, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं दिल्ली कैपिटल्स के परफॉर्मेंस पे। अब तक उन्होंने 5 मैच खेले हैं, 5 हार चुके हैं, उनकी अवस्था काफ़ी दयनीय है। और उनके जो कप्तान हैं डेविड वॉर्नर, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो स्लो बताया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से जब एक कप्तान ओपनिंग करता है और वो परेशान होता है देख के कि उसके साथ कोई खेलने को तैयार नहीं है या आउट हो रहे हैं बार बार, ब्रिटल टॉप बैटिंग ऑर्डर है, तो वो और क्या करे। आगे चलते हैं, वॉर्नर ने 228 रन बनाए हैं 5 गेम्स में और स्ट्राइक रेट उनका 116 रहा है। मिचेल मार्श एक डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं सोफा, ऑस्ट्रेलिया के ही हैं लेकिन वो उस हिसाब से चल नहीं पाए नंबर 3 पे, जिससे जिस तरह की उनकी उन पर उम्मीद थी। अभी शादी के लिए भी उन्होंने एक ब्रेक लिया था आईपीएल में, तो अब ये देखना है कि इफ दे प्ले राइली रूसो और रवमन पावल गेट बैक इन द मिक्स। यश ढुल हैज अ प्रॉब्लम, ही हैज अ टेक्निकल फ्लॉ इन द सेंस दैट व्हाइल ही इज बैटिंग एंड ही हैज अ ट्रिगर मूवमेंट ऑफ शफलिंग टुवर्ड्स द ऑफ स्टंप, मेकिंग हिम वल्नरेबल टू LBW डिसीजंस। एक ट्रिगर मूवमेंट उनका होता है अपने ऑफ स्टंप की तरफ, तो जो गेंद अंदर की तरफ आ रही है उस पे उसको वो खेलने में काफ़ी उनको दिक्कत आ रही है और LBW डिसीजंस उनके खिलाफ जा रही है। ये चीज़ उनको अपने ही ध्यान में रखना पड़ेगा। और DC शायद फिल सॉल्ट को ले आए ओपन करने पृथ्वी शॉ की जगह। पृथ्वी शॉ के बारे में अभी मैं थोड़ा और बोलूँगा, लेकिन बिल्कुल ही फेलियर रहे हैं इस पूरे IPL सीजन में। और ये फिल सॉल्ट हार्ड हिटिंग इंग्लिश बैटर हैं और हो सकता है कि इसको इन्हें वॉर्नर ले आए ताकि उनको ओपनिंग पारी में सपोर्ट मिले। स्पिनर्स में हैं अक्षर पटेल, ललित यादव और कुलदीप, और ये तीनों ही इफेक्टिव हैं लेकिन मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज नहीं हुई हैं, उस अच्छे हिसाब से नहीं चले हैं। पेसर्स में मुस्तफिजुर रहमान काफ़ी एक्सपेंसिव रहे अगेंस्ट RCB एंड ही कुड बी रिप्लेस्ड इन द लाइनअप विथ अनदर डोमेस्टिक सीम बोलर। DC have a number of domestic seam bowling options in Khalil Ahmed, Mukesh Kumar and Chetan Sakaria, but none of them have been good enough this season. And DC's bench strength is also quite poor. And that is another headache that DC is experiencing. Now, looking at Kolkata Knight Riders, they might get in Englishman Jason Roy at the top, replacing Gurbaz in the opener slot with N. Jagdishan keeping wickets. If that happens, then their top order will also be that much stronger. Suya Sharma Legi will possibly get a game in his home ground and he's been doing pretty well for his side. However, a lot of the responsibility will have to be taken up where batting is concerned by their captain Nitish Rana and Rinku Singh. They are the two power hitters along with Andre Russell and the in-form Venkateshwar Iyer. आपको अगर याद हो, वेंकटेश्वर अय्यर ने अभी हाल में ही एक सेंचुरी बनाई थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ, हालांकि वो मैच वो हार गए। ड्रेरस की कहानी कुछ अजीब सी हो गई है, इंजरी प्रोन है, थोड़ा वेट भी पुट ऑन किया है। उनको पहले लिया जाता था अपने ऑलराउंड एबिलिटी की वजह से, बैटर तो अच्छे थे ही, बॉलिंग भी अच्छा करते थे, लेकिन अब वो बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाते क्योंकि उनकी बार बार लेग इंजरी हो जाती है उसको लेके। और ड्रेरस ने अब तक हर KKR मैच में उन्होंने खेला है और इस बार इस सीजन में उन्होंने 5 मैच में केवल 60 रन बनाए हैं। सो दैट इज़ नॉट गुड इनफ फॉर ड्रेरस, बट लाइक आई सेड, आई विल गो विद KKR फॉर अ मोर बैलेंस्ड बैटिंग अटैक। इट्स अ पावरफुल बैटिंग साइड एंड रीजनेबली गुड बॉलिंग अटैक। नाउ लेट्स लुक एट द पिच रिपोर्ट ऑफ द अरुण जेटली स्टेडियम। पिच रिपोर्ट इज इंटरेस्टिंग इन द सेंस दैट in the last match this venue witnessed assistance to the slow bowlers ki madad karega. Jo bhi team toss pehle jeetti hai Delhi mein wo chahegi ki wo sabse pehle bat kare, ek to dew se bhi bachna hai aur dusra hai ki slow nature of the surface, aapko ye kabhi idea hi nahi lag payega ki aapko kitne run banane chahiye. So wo ek important point hai aur dew factor bhi rahega. KKR ke players to watch out for, Venkatesh Iyer abhi hal mein unhone shatak banayi thi, he is in very good nick. सुया शर्मा 19 साल के लगी हैं, दिल्ली के ही हैं, हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने जो बेहतर उनके साइड के स्पिन बॉलर्स हैं जैसे सुनील नरीन और वरुण चक्रवर्ती, उनसे बेहतर बॉलिंग की है और ये एक और मौका उनके पास होगा कि एक स्लो ट्रैक पे वो अपना चमत्कार दिखाएं। रिंकू सिंह उन छक्कों की बरसात के अलावा भी उन्होंने
एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है। 5 मैचेस में उन्होंने 174 रन बनाए हैं एट एन एवरेज ऑफ 58, विच इज़ वेरी वेरी गुड। फ्रॉम द डीसी साइड ऑब्वियसली डेविड वॉर्नर एट द टॉप, देन मनीष पांडे माइट बी प्रोमोटेड बिकॉज ही स्कोर्ड अ प्रीटी गुड हाफ सेंचुरी इन हिज प्रीवियस मैच। ही इज अ मैच्योर एक्सपीरियंस प्लेयर एंड ही इज द मैन टू वॉच आउट फॉर। अक्षर पटेल इज अ क्वालिटी ऑलराउंडर, ही हैज स्कोर्ड 129 रन एंड ऑल्सो पिक्ड अप 2 विकेट्स। I would want to talk a bit quickly about Prithvi Shaw, who remains a strange enigma. A man who did so well in the initial years has now really, really fallen by the wayside. He has a lot of problems, and his spot might go to Sarfraz Khan, who could be promoted. He's also a wicketkeeper bat, and Prithvi Shaw scored 479 runs in 2021 and 283 in 10 games last year, and this year he has looked completely out of sorts against quick bowlers and making his position absolutely untenable. 5 outings mein is baar unhone keval 34 run banaye hain aur sabse highest score unka raha hai 15. Head to head record dekha jaye in dono teams ne 32 baar ek dusre ke khilaf matches khele hain. 15 baar DC ne jeeta hai, 16 baar KKR ne jeeta hai, lekin is baar main KKR ke sath jana chahta hu aur uska karan main aapko bata chuka hu. So thanks for watching, we'll be back with lots more.